आई एम दिव्या मल्होत्रा हेयर। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी एक ऐसा मिनरल जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड वो 99% हमारी बोन्स में और टीथ में पाया जाता है, वो है कैल्शियम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि हमारी बॉडी इटसेल्फ कैल्शियम प्रोड्यूस नहीं करती है, या तो हम उसको फूड आइटम से लेते हैं या हम उसको सप्लीमेंट से ले रहे हैं। एंड हमारी बॉडी डेली कैल्शियम को रिलीज भी करती चली जाती है थ्रू स्वेटिंग और थ्रू यूरिन। नेक्स्ट, अगर हमें बहुत टाइम से कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, हमारी बॉडी हमारी बोन्स में से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी, और जिसका रिजल्ट क्या होगा, काफी टाइम के बाद हमारी बोन्स बहुत वीक हो जाएंगी, हमें बोन्स से रिलेटेड डिजीजेस, इंजरीज, और हमारी बोन्स इतनी वीक फील होगी कि हमें बहुत जल्दी थकावट महसूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, कैल्शियम के फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी में, कैल्शियम के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हुई बोन्स से रिलेटेड, हमारी बोन्स की बिल्डिंग में और उनको मेंटेन करने के लिए कैल्शियम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, कैल्शियम और वाइटमिन डी ना हैंड इन हैंड चलते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि कैल्शियम है और वाइटमिन डी नहीं है, क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो होती है ना वो वाइटमिन डी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, सो हमें वाइटमिन डी का भी ध्यान रखना है हमारी बॉडी में। कैल्शियम हमारे ब्लड क्लॉटिंग, जैसे हमें कोई चोट लगती है तो हमारे जैसे ब्लड एकदम थोड़ी देर बाद रुकना शुरू होता है, वो क्लॉटिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है ब्लड क्लॉटिंग का, उसमें कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्लस हमारी हार्ट बीट में भी। तो देखिए कैल्शियम के कितने सारे फायदे हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम के सोर्सेज। कैल्शियम के सोर्सेज मिल्क, सोया मिल्क, सोया मिल्क को आपको शेक करके पीना है बिकॉज उसका कैल्शियम ना नीचे सेटल डाउन हो जाता है। नेक्स्ट, पालक है, बीन्स है आपके पास, एप्रिकॉट, ड्राइड एप्रिकॉट, ड्राई फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो एलमंड्स बहुत रिच हैं कैल्शियम में, योगर्ट, योगर्ट बहुत अच्छा सोर्स है, चीज बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। एंड मेरी एक एडवाइस है कि हम लोग कैल्शियम को ट्राई करें कि हम नेचुरल सोर्सेस से हम अपने पूरा करें इंस्टेड ऑफ सप्लीमेंट्स। अगर हमें बहुत देर से कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कैल्शियम को, बट वो टेम्परेरी होता है कि हमारी बॉडी में उसका साइकिल कंप्लीट हो जाए, बट ऐसा नहीं है कि हमें उसको प्रोलॉन्ग लेते चले जाना है, हमें डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर और डिस्कस कर ही कैल्शियम को उतनी देर लेना है। और अगर हमें हमारी बॉडी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, हम यंग लगना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी एफिशिएंसी बनी रहे, हमारा वर्कआउट रूटीन अच्छा रहे, तो हमें हमारी बॉडी को इनपुट अच्छा देना होगा। और हमारा इनपुट क्या है, हमारी अच्छी डाइट, हमारी क्लीन ईटिंग, हम जितना अपने किचन से होम मेड घर का बना हुआ खाना खाएंगे और अपने विटामिन मिनरल्स पे ध्यान रखेंगे उतना ही हमारी बॉडी हमें आउटपुट अच्छा देगी।